Today's topic is atomic mass. Atomic mass, initially before 1961, hydrogen was taken as standard. ये lightest element था, lightest element, जिसकी वजह से इसको standard लिया गया था. Standard का meaning क्या है? कि बाकी elements के जो atomic weights थे, masses थे, वो with respect to this measure किए गए थे. इसको standard लिया गया था और बाकी जितने time इससे heavy थे, मान लो कोई इससे 4 times heavy है, तो उसका हमने atomic mass रख दिया 4. AMU, एटॉमिक मास यूनिट जो है, इस टर्म्स में हम लोग मेजर करते थे. आजकल ये रिप्लेस हो गया, अब हम U लिखते हैं. U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास. तो लेकिन हाइड्रोजन के साथ ज्यादा सेटिस्फेक्ट्री आंसर्स नहीं आए थे, तो बाद में हमने जो मोस्ट अबंडेंट कार्बन का आइसोटोप है ना, 12 वाला. ये कार्बन 12 क्यों लिखना पड़ता है? बिकॉज कार्बन का 12 वाला आइसोटोप भी होता है, 13 वाला भी होता है, 14 वाला भी होता है. 14 वाला रेडियो एक्टिव होता है और 13 वाला बहुत कम ट्रेसेस में पाया जाता है. मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप कार्बन का ये है और सबसे बड़ी बात है ये बहुत स्टेबल भी है. तो हमने क्या किया, जो 1 AMU है उसको हमने माना 1/12 ऑफ वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12. एक कार्बन का एटम लो, ऑफकोर्स हमें दिखता नहीं है तो इमेजिनेशन है, इसके 12 पीसेस कर दो इक्वल, मैंने तो ऐसे रफ कर दिए इक्वल, उसमें से एक पीस उठा लो, उसी को हमने 1 AMU कह दिया. कार्बन के एक एटम के 12 पीसेस करो, उसमें से जो एक पीस उठा लोगे उसका जितना भी वेट होगा उसे हम 1 AMU या 1 U कहेंगे और बाकियों के वेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस मेजर किए गए. राइट, जैसे हमने हाइड्रोजन का 1 रखा है AMU. AMU और ग्राम में क्या डिफरेंस है? AMU का मतलब होता है 1 हाइड्रोजन का एटम, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम. और ग्राम का क्या मतलब होता है? इफ आई आस्क यू 1 ग्राम हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है 6.02 × 10²³ एटम्स, यानी कि 1 मोल. तो ग्राम जैसे ही हम लगाते हैं तो एटम्स यानी कि ज्यादा सारे होते हैं, बिकॉज 1 ग्राम हमको विजिबल होता है, बट 1 कार्बन का एटम या हाइड्रोजन का एटम हमको विजिबल नहीं होता. वेन एवर वी टॉक इन टर्म्स ऑफ AMU और यूनिफाइड मास, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम, लाइक 1 ग्राम मीन्स एवोगैड्रोस नंबर. राइट, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 7 ले लो, ये इंपॉर्टेंट लिख रही हूं मैं, सारे नहीं लिख रही यहां पे. अब कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, कैल्शियम 40, एट रेंडम आई एम राइटिंग डाउन, मैग्नीशियम 24, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. मैग्नीशियम 24, सल्फर आपका है 16, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17, फ्लोरीन आपका है 19, ये इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने 35.5. नाउ द क्वेश्चन इज 35.5 कैसे आ गया जबकि सबका तो होल नंबर है. आपको पता है जिसके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं ना तो उसका एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है. जैसे क्लोरीन है 2 टाइप्स का है, 35 वाला भी है और 37 वाला भी है और इनके अबंडेंस है 70% नियर अबाउट, ये 30% पाया जाता है इन नेचर अबंडेंस की टर्म्स में. दोनों का हमने एवरेज निकाला, कैसे निकाला, 70 × 35 प्लस 37 × 30/100 करके, तो हमारा आंसर आया 35.5. वेन एवर एटॉमिक मास इज इन फ्रैक्शन इट मीन्स इसके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं. फ्लोरीन का 19 हो गया और कॉपर 63.5, जिंक 65.3, सिल्वर 108, गोल्ड 197, और कुछ मिस हो गया तो हम देख लेंगे. अब ये मैंने क्यों लिखे, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग. जैसे कि मीथेन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 है, 4 हाइड्रोजन आर देयर, 1 × 4 कितना हो गया 16. वाटर का कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 क्योंकि एटॉमिक मास इसका 1 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, हम इन्हें प्लस करते जाएंगे, यू विल गेट 18. ऐसे ही आपको NaOH का निकालना है, सोडियम का 23 है, हेयर इट इज गिवन, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, आप इसको ऐड कर दो 40 हो जाएगा. इस तरह से आपको एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं, किस किस के, CO2 के, NaOH वैसे मैंने कैलकुलेट कर दिया, Na2, CO3, Mg, SO4, H2,
SO4, NaCl, MgCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, C6H12O6। ये हम कहते हैं ग्लूकोज को। ऐसे सुक्रोज को C12H22O11, ये सुक्रोज होता है। ऐसे ही आपको निकालना है अमोनिया का, NH3 अमोनिया, COOH होल ट्वाइस हम लोग कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड को, इसका भी निकालना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनके मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करो, ठीक है। कैसे करेंगे? CO2 का या मैं लिख देती हूँ, एक और कार्बन का है हमारा 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 कितना हो गया 32 + 12 = 44। तो इस तरीके से आपको निकालना है। इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम पर मोल, 16 g/mol। आई जस्ट टोल्ड यू कि AMU इन टर्म्स ऑफ एटम्स होता है, ग्राम इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रोस नंबर होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकालो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका आंसर्स बताती हूँ। ओके।